दिस इज़ स्पेशल, वेरी स्पेशल इवेंट फॉर मी. बहुत सारे लोग ग्लैमर वर्ल्ड में हैं लेकिन किसी ने आज तक ये हिम्मत नहीं की कि एसिड अटैक विक्टम्स को या ड्रग के विक्टम्स को इतनी सारी इम्पोर्टेंस दी जाए. सो इस इवेंट में उनको बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिलती हैं और उनको स्पेशल फील होता है और उनके लिए सब काम करते हैं, उनके लिए सब डोनेट करते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ सोसाइटी एंड आई हैव माय होल सपोर्ट फॉर दिस इवेंट. हाय, आई एम आस्था रावल. एंड जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, मुझे पता चला कि दिस गाइज आर वर्किंग फॉर सच अ गुड वर्क. इतनी अच्छे काम कर रहे हैं. एक ये सारी चीज़ें लड़कियाँ बहुत सारा फेस कर रही है. मुंबई ठीक है, छोटे छोटे शहरों में और बहुत सारी जगह पे विक्टिम्स हैं एसिड अटैक की, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरती है अपनी लाइफ में और फ्यूचर में भी उनका कुछ बहुत हार्ड बेस नहीं होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है. सो व्हेन आई कम टू नो अबाउट दिस नोबेल वीक, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबेल वीक इवेंट्स and support this people where you know even they will feel secure and more stronger. My name is Mahir Karatkar. I'm the founder and the CEO of Ofox Production Private Limited. Actually बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे पेजेंट्स होते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से होते हैं और फिर बहुत सारे लोग मिस्टर मिस मिसेस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ नया सोचा इसमें. मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ चैरिटी करें उन लोगों के लिए जो लोग अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये कर रहे हैं. तो मैंने फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया दैट वॉज लेट सपोर्ट टू स्टॉप एसिड अटैक. एंड जब मैंने ये स्टार्ट किया टू सपोर्ट एसिड अटैक्स, तो बहुत सारे मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेरी टीम इकट्ठा कर ली. तो मेरी जो टीम थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसी साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. एंड देन वी केम कि हम पहला एक शो करते हैं जो हम एसिड अटैक्स के लिए करते हैं और ट्रांसजेंडर्स इक्वलिटी इन सोसाइटी, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर दे. तो हमने ये शो पहले किया गोवा में और अब हम इसे ले आ रहे हैं मुंबई में. दैट विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर. बहुत सारे लोग एसोसिएट होने वाले हैं और होते रहते हैं. एंड जैसे ही पता चलता है कि एक सोशल कॉज इवेंट है तो सेलिब्रिटीज़ भी खुद चलकर आते हैं. दैट वी आल्सो वांट टू सपोर्ट इन दिस, वी आल्सो वांट टू सपोर्ट देम. यस, मैं यहीं पे हम मेरी जो टीम है और मेरे जो सारे लोग हैं हम यहीं पे नहीं रुकना चाहते. हम चाहते हैं कि इंडिया को हम रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल भी. हमारे जो यहाँ पे जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं जैसे एसिड अटैक्स है और भी लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल उन्हें प्लेटफॉर्म मिले और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को उनका हौसला इतना बढ़ जाए कि वो पूरी दुनिया को फेस कर सके. जी, यहाँ पे एक एसिड सर्वाइवर आए हुए हैं जिन्हें मैं अपनी बहन मानता हूँ, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, जो है जाकिरा शेख. जाकिरा, निकिता प्लीज. तो मेरा नाम जाकिरा शेख है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ. 2017 में मेरे साथ मेरे खुद के हस्बैंड ने अटैक किया था. उनकी ये ईगो के वजह से आज वो सोचे थे शायद मैं कभी लाइफ में बाहर नहीं निकलूँगी और लोगों को अपना फेस नहीं दिखा पाऊँ, बट उसकी सोच को मैंने बंद किया. और मुझे ऐसा लगता है कि फेस मायने नहीं देता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, लोगों के सामने एक अच्छे इखलाक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. मैं प्राउड फील करता हूँ कि जाकिरा ने मुझे अपना भाई समझा. मैंने उन्हें पहले भी, मेरा एक शो हुआ था कोहिनूर में जिसमें अखिलेश जी भी आए थे, उन्हें भी पता है सब कुछ और निकिता खुद उस शो में थी, उन्होंने भी देखा है. तब मैंने चाहा था उन्हें सपोर्ट करना और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया को ऐसा फेस करे कि जो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत कुछ कर पाए ज़िंदगी में. मैं पुणे में जो है एक मेरा सपना है एक सुपर मार्केट का, जो मैं बहुत जल्द पूरा करना चाहता हूँ. तो मैं चाहता हूँ इन लोगों को उस मार्केट के थ्रू नौकरी मिले कि वो घर बैठे उनकी कुछ इनकम स्टार्ट होगी उस थ्रू से. नहीं, जिसको भी सपोर्ट करना है तो डायरेक्ट मुझे माहिर भाई से कांटेक्ट करें या मुझे डायरेक्ट मेरा
नंबर सब जगह है, सबसे ले सकते हो, या मेरे ईमेल आईडी है, मेरा बहुत सारे जगह मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, लोग मुझे चाहे करने के लिए तो कहीं से भी आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। पर मुझे अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है मेरे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है, क्योंकि तो मेरी दो बेटियाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि वो बेटियों को मैं इतना बहादुर बना दूँ कि वो लोगों को कभी एहसास ना हो कि हम बेटियाँ हैं और हम आगे बढ़े। हम तीनों जन, एक बेटी है देश की, पर हम तीनों जन एक साथ बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी सोच यही है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे के उनकी भी ज़िंदगी स्टार्ट करूं। बट अब मेरे फेस की वजह से मैं हम तीन जन की ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी तकलीफ़ है इन्हें, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शेयर करने से पहले कि हम सबको, अकेला माहिर ही नहीं, माहिर ने ये बीड़ा उठाया है तो माहिर बहुत लोगों को ऑलरेडी जोड़ रहे हैं और उसके बाद भी और लोगों को जोड़ने की, वो इंटरनेशनल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा कि एसिड विक्टिम के लिए या चैरिटी के लिए इंडिया में तो काम करता है लेकिन इंडिया के बाहर ही करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, माहिर ये काम कर रहा है। तो हम सबको, मेरी ये खास सबसे विनती है कि हम सबको माहिर का सपोर्ट करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। और वो खुलेआम कह रही है कि मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, माहिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, वो इतनी सारी चीज़ें कह रही है क्योंकि उन्हें नीड है। अगर इसके बाद भी हम इनकी हेल्प नहीं कर पाए और इसके बाद भी अगर हम कहीं चूकते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम है, शायद फिर वो हमारी नीयत में खोट है। मेरा ब्रांड हिना डिज़ाइनर स्टूडियो है और चैरिटेबल्स जो ग्लोबल वीक चालू हुआ था उसके अंदर मुझे एक डिज़ाइनर कैटवॉक के लिए प्रमोट किया गया, और उसमें सबसे बेहतरीन ये था कि सब सेलिब्रिटी का जो भी डिज़ाइनिंग कॉस्ट्यूम थे वो हमारे हिना डिज़ाइनर स्टूडियो से गए थे, और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। जो एसिड विक्टम है, फिर जो भी ह्यूमन पावर के लिए पूरा आगे बढ़ाने के लिए माहिर सर ने बहुत ही अच्छा इवेंट किया था। हिना डिज़ाइनर स्टूडियो मुलुंड लोकेटेड है। सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स के हिसाब से मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, और इस हिसाब से हम चाहते हैं कि जो बॉम्बे का जो ट्रेंड है वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में छाया रहे। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर ऑफ फोरफॉक्स प्रोडक्शन, यहाँ पे जो सक्सेस पार्टी हो रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने लास्ट मंथ गोवा में एक चैरिटी नोबल वीक सेशन का आयोजन किया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी सक्सेस हुआ, उसी की ये सक्सेस पार्टी यहाँ पे हमने रखी गई है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनकी रिक्राउनिंग हुई है और काफ़ी ऑल ओवर हम सब मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। यस, चैरिटी नोबल वीक इज़ चैरिटी के लिए कर रहे हैं, जो अपने यहाँ पे स्टॉप टोबैको स्किल्स है उनके लिए हमने ये रखा गया है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए रखा गया है हमने, और स्टॉप एसिड विक्टिम्स जो एसिड सर्वाइवर हैं जो आज भी यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए हैं, वहाँ पे गोवा में भी हमारे साथ में थे, उनको स्टेज पे हम लोगों ने फेलिसिटेट किया था, तो ये काफ़ी सराहनीय रहा गया है। थैंक यू। मेरा नाम नेहा बोराडिया है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ ग्लैमर इंडिया सीज़न 3 की। माहिर ने जो ये पूरा वीक का नोबल वीक किया है जिसमें हमने बहुत सारे, माहिर ने बहुत सारे नए नए कॉजेस को सपोर्ट किया है, जैसे एसिड विक्टिम है, ट्रांसजेंडर है, बहुत सारे नए नए कॉजेस को सपोर्ट किया है। हमें भी चाहिए कि हम भी आगे आके उन लोग को सपोर्ट करें, उनको जीने की एक राह दिखाएं। वैसे उन लोग हमें राह दिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कि इतना कुछ हो जाता है उनमें कि फिर भी वो लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं, वो हमें उनसे सीखना चाहिए। आई रियली थैंक माहिर एंड फोरफॉक्स प्रोडक्शन कि हमें इतना अच्छा मंच दिया है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सारा बोराडिया है, मैं मिस कैटेगरी में विनर हूँ, और ये जो पेजेंट है और इसका जो मैसेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा है कि हम सबको सीखने मिलता है कि एसिड विक्टिम्स और यू नो टोबैको से क्या क्या हार्मफुल, जो भी हार्म होता है टोबैको से, वो सब सीखने मिलता है, और एसिड विक्टिम्स कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, क्या होता है उनके साथ, उनकी स्टोरी जानने मिलती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एज अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन ये सब सीखें और इस सब के
अगेंस्ट हम अपना थोड़ा एक स्टेप लें। माय नेम इज़ पिकी नाथ, मैं बैंगलोर से आई हूँ। तो मैं एक्चुअली वॉलंटियर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी करती हूँ। मेरा एक ग्रुप है नारी यारी करके, जो इंडिया वाइड हम हर सिटी में फीमेल ओरिएंटेड ग्रुप है। हम लोग सोशल कॉजेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे फिजिकली चैलेंज वुमेन हो गए, एल्डरली वुमेन हो गए, तो हम उनके एसोसिएशंस पे जाते हैं, चैरिटेबल वर्क करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम सपोर्टिंग दिस कॉज एंड वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू विन दिस पेजेंट। पुष्मा, आई एम फ्रॉम पुणे, मिसेस ग्लैमर कैटेगरी में रनर, फर्स्ट रनर अप। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव नॉट थॉट अबाउट दैट आई वुड कम टिल दिस लेवल। Being a single mom struggling for a long time, and this was such an opportunity for me to explore myself, to open up and once about the cause what Four Fox Production has come up, you know, for acid attack and woman empowerment. So I really support for that, because in today's days there are more than 98% women who are actually the household, you know, who's working for the whole family and taking care of the whole family. So this is the right time, and to come out of the house and just work hard and show the world that even you can do something. गोवा में अपना चैरिटी नोबल वीक का फर्स्ट सीजन हुआ, इसका ये सक्सेस पार्टी था। इसका सेकेंड सीजन हम मुंबई में प्लान कर रहे हैं, और इसका थर्ड सीजन जो है हम दुबई में प्लान कर रहे हैं, जो एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में है। और ये जो इवेंट है, जो डिफरेंट अपने कॉज है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट है, एसिड अटैक विक्टम्स है, ट्रांसजेंडर इक्वालिटी है, ये सारे जो अपने कॉज है, ये कॉज के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, और जो चैरिटी कर रहे हैं हम, ये कॉज के लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में एक वुमन एम्पावरमेंट भी लोग शो कर रहे हैं, प्लस एसिड अटैक जो विक्टिम्स है, जिनको शायद सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है, उनको इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत अच्छी तरह से इनके लिए कुछ कर रहे हैं। और रियली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और दे ऑलरेडी डन वन सीजन, अब ये सेकेंड सीजन होने वाला है, और थर्ड दे आर डूइंग इंटरनेशनल दुबई। सो हेड्स ऑफ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।